नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका, रूस और चीन के बाद इतिहास रचने को तैयार भारत, आज रात चांद पर विक्रम लैंडर की होगी सॉफ्ट लैंडिंग। सड़क दुर्घटना में घायल उन्नाव पीड़िता का सामने आया बयान, का कार दुर्घटना कराने में विधायक कुलदीप सेंगर का हाथ। यूएपीए में संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अयोध्या मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने की मांग, याचिकाकर्ता ने की सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध की अपील। कार्ति चिदंबरम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक और आदेश, 3 माह और जारी नहीं करेगा रजिस्ट्री में जमा 10 करोड़ रुपए। चिदंबरम का नया ठिकाना बना तिहाड़ की जेल नंबर 7। हल्के नाश्ते के साथ की दिन की शुरुआत। सियोल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी कड़ी चेतावनी, का आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग करने से नहीं हिचकेगा भारत। आधार सेवा केंद्रों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, झटपट हो जाएंगे सारे काम। आईजीआई एयरपोर्ट पर शुरू हुई फेस स्क्रीनिंग प्रणाली, चेहरे के मिलान से यात्रियों के प्रवेश की प्रक्रिया स्वतः होगी पूरी। चांदनी चौक से विधायक अलका लामा ने आपसे दिया इस्तीफा, का गुडबाय का आया वक्त, कांग्रेस ज्वाइन करने के दिए संकेत। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं बड़ी खबरों में विस्तार से। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम शनिवार तड़के चांद की सतह पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। ये क्षण इसरो के वैज्ञानिकों के लिए दिल की धड़कनों को थमा देने वाला होगा। शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात होने वाली सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य राष्ट्रों की निगाहें भी इस मिशन पर टिकी हुई है। सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत को रूस, अमेरिका और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का 4वां देश बना देगी। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से चुने गए छात्र छात्राओं के साथ इस ऐतिहासिक लम्हे का सीधा नज़ारा देखने के लिए इसरो के बेंगलुरु केंद्र में मौजूद रहेंगे। लैंडर विक्रम शनिवार रात 1 से 2 बजे के बीच चांद पर उतरने के लिए नीचे की ओर चलना शुरू करेगा। रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा। विक्रम अभी कक्षा में चंद्र सतह से इसके निकटतम बिंदु लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रक और कार की टक्कर में गंभीर रूप से घायल उन्नाव कांड की पीड़िता की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। पीड़िता ने विधायक कुलदीप सेंगर पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई पीड़िता ने दुर्घटना को अपनी जान लेने की साजिश बताया। पीड़िता ने बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने ही रायबरेली हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में मुझे मारने की साजिश रची थी। इस बात पर कोई शक नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून में किए गए संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाओं में अवैध गतिविधियां रोकथाम कानून में किए गए संशोधनों को कई आधार पर चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि ये संशोधन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, एजेंसियों को लोगों को आतंकवादी घोषित करने की ताकत प्रदान करते हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सजल अवस्थी और गैर सरकारी संगठन की याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध किया। पूर्व आरएसएस विचारक केएन गोविंदाचार ने ये मांग की है। वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों के उन आरोपों का संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि निर्मोही अखाड़ा के कई गवाहों ने अपनी गवाही में बढ़ा चढ़ाकर दावे किए। इस पर न्यायालय ने उनसे पूछा कि क्या वे इसके बावजूद अयोध्या में विवादित भूमि पर उनका अधिकार स्वीकार करते हैं। चीफ जस्टिस ने राजीव धवन की दलीलों पर विचार किया जिसमें यह दावा किया गया है कि अखाड़ा ने अपने वाद के पक्ष में जिन गवाहों का परीक्षण किया उनके बयानों में विरोधाभास है। धवन इस मामले में मूल वादकार एम सिद्दीकी समेत सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य की तरफ से उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्ति चिदंबरम मामले में एक और आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि अदालत की रजिस्ट्री में कार्ति द्वारा जमा कराई गई 10 करोड़ रुपए की राशि अभी 3 महीनों तक जारी नहीं की जा सकती है। कार्ति चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस और धनशोधन जैसे मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। कार्ति ने विदेश जाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार 10 करोड़ रुपए जमा कराए थे। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े एयरसेल मैक्सिस मामले में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने कहा कि सीबीआई और ईडी बार बार स्थगन मांग रहे थे। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि जब भी जांच पूरी हो जाए तो अभियोजन पक्ष अदालत का रुख कर सकता है। अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे को गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी थी।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का नया ठिकाना एशिया की सबसे बड़ी जेल के तौर पर पहचान रखने वाली तिहाड़ जेल है, जहां उन्होंने गुरुवार को पहली रात काटी। शुक्रवार को अपने दिन की शुरुआत हल्के नाश्ते के साथ की। INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जेल के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अलग कोठरी और वेस्टर्न शौचालय के अलावा कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये विशेष सुविधाएं उन्हें उनके अनुरोध पर अदालत ने दी हैं। अदालत ने उन्हें जेल में अपने साथ चश्मा, दवाएं ले जाने की अनुमति दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा। रक्षा मंत्री ने यह टिप्पणी कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में की। रक्षा मंत्री ने पिछले महीने संकेत दिए थे कि परिस्थितियों को देखते हुए भारत परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग नहीं करने की दशकों पुरानी अपनी नीति को बदलने पर विचार कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। राजनाथ ने आतंकवाद को क्षेत्र के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती करार दिया। अगर आपको अपने आधार में कोई जानकारी अपडेट करानी है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इसके लिए अलग तरीका अपनाना होगा। आधार जारी करने वाली कंपनी ने आधार अपडेशन के नियम में बदलाव कर दिए हैं। आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देश के कुछ शहरों में आधार सेवा केंद्र शुरू किए हैं। बता दें कि आप इन सेंटर्स पर नया आधार बनवा सकते हैं। ये सेवाएं UIDAI बैंकों, पोस्ट ऑफिसों और सरकारी कार्यालयों में मिलेगी। UIDAI ने दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, आगरा, हिसार, विजयवाड़ा और चंडीगढ़ में आधार सेवा केंद्र शुरू किए हैं। इसके अलावा भोपाल, चेन्नई, पटना और गुवाहाटी में आधार सेवा केंद्र इस महीने शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि UIDAI की वेबसाइट से कोई भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। तकनीक के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में दिल्ली विमानपत्तनम आज से टर्मिनल 3 पर इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ेगा। विस्तारा एयरलाइन के घरेलू यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक चेहरा पहचान प्रवेश प्रणाली के परीक्षण की शुरुआत हुई। डायल ने कहा कि इस तकनीक से यात्रियों के हवाई अड्डों में प्रवेश करने में आसानी होगी। उन्हें सुरक्षा जांच और विमान में चढ़ने के दौरान समय की बचत होगी। खास बात यह होगी कि चेहरा मिलान के बाद ई गेट स्वतः खुल जाएंगे। इसके बाद यात्री सामान जमा करने के लिए काउंटर पर जा सकते हैं। यदि उनके पास कोई बैग नहीं है तो वो सीधे सुरक्षा जांच की ओर जा सकते हैं, जहां चेहरा पहचान के लिए कैमरे होंगे। डायल ने कहा कि सफल परीक्षण के बाद इसे दिल्ली हवाई अड्डे के अन्य टर्मिनलों पर लागू किया जाएगा। आपकी बागी विधायक अलका लामा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से विधायक अलका लामा ने शुक्रवार को इस फैसले का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपको अलविदा कहने और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने का वक्त आ गया है। मेरे लिए पिछले 6 साल का सफर बड़े सबक सिखाने वाला रहा। सभी का शुक्रिया लामा। पिछले कुछ समय से आप नेतृत्व, खासकर पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से नाराज चल रही थीं। हाल ही में लामा ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। फिलहाल लामा ने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में कोई स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।